हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग देखते हैं आज लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेकेंड एक्सेप्शन। देखिए सेकेंड एक्सेप्शन में क्या है ना, 57 है, 58 है, 64 है, 89 है और 19। इन सारों में क्या होता है कि n माइनस टू एफ से इलेक्ट्रॉन का एंट्री होता है n माइनस वन डी। नहीं, अब यहां से यहां एंट्री होता है तो जरा देखिए कैसे होता है। अब आपको देखना है कि s से कोई मतलब नहीं, f और d से मतलब है, लेकिन एफ डी पता चलेगा एस को देखने से ही। अगर सपोज कीजिए ये एन है तो ये एन माइनस वन है और ये क्या हो गया एन माइनस टू है, तो आपको मतलब है एन माइनस टू से और एन माइनस वन से। एफ में भले ही पांच इलेक्ट्रॉन है लेकिन जो ट्रांसफर होगा कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, वन इलेक्ट्रॉन का, किस से, एन माइनस टू से। तो एन माइनस टू से एन माइनस वन में ट्रांसफर होगा, लेकिन जो n माइनस टू है वो f होना चाहिए और n माइनस वन जो है वो d होना चाहिए। ठीक है, अगर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अगर ये सिक्स है तो ये फाइव हो गया और ये क्या हो गया फोर, तो फोर f से कहाँ जाएंगे फाइव d में। और इसी तरीके से अगर सेवन रहता, अगर मान लीजिए सेवन रहता तो सेवन सिक्स और फाइव, तो फाइव से सिक्स d में जाते, फाइव f से सिक्स d में जाते। नहीं, जरा एक एग्जाम्पल देखिए खुद ही समझ में आ जाएगा। लेंथेनम है तो हम शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखते हैं। लेंथेनम से पहले जेनॉन ले लीजिए, नोबेल गैस, जेनॉन का होता है 54। अब जेनॉन कंप्लीट हो गया तो इसके बाद 6s में एंट्री होता है, आपको याद होगा। हीलियम के बाद 2s, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s। तो 6s 2 और 4f कितना, 54 दू 56 और 4f कितना 1। ये हो गया जनरल जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग लिखते हैं। एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा लेकिन 6s से कोई मतलब नहीं है। अगर 6 है आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट अगर 6 है, ns है, तो ये जान जाइए जो 4 रहा होगा तो वो कैसे रहा होगा, 6 में से 2 घटाएंगे तब 4 होगा। यानी n बराबर अगर 6 है तो n माइनस 2 होगा, 6 माइनस 2 बराबर 4f होगा, तो 4f तो प्रेजेंट है, n माइनस 2f भी प्रेजेंट है, तो n माइनस 1d में इलेक्ट्रॉन को डालना है। अगर 6 है तो 5 और 4 हुआ तो 4 से 5 में डालना है, तो 4 तो है, तो जेनॉन 6s2 और 4f में 0 हो जाएगा और 5d में कितना हो जाएगा 1। ये सही है और ये क्या है गलत। इसी तरीके से देखिए 58 का सीरियम होता है नहीं। अब सीरियम का लिखेंगे, सबसे पहले जेनॉन लिखेंगे, 6s2 लिखेंगे और 4f2, 6s2 और 4f2, 54 दू 56 दू 58, नहीं तो ये गलत है। अब इसको क्या करेंगे, जेनॉन लिखेंगे और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा 6s2 हो जाएगा और 4f क्या हो जाएगा 1 और 5d कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 6 है तो 4 से 5 में जाएगा, 6 है तो 4 से 5, 7 रहता तो 5 से 6 में जाता नहीं। अब इसी तरीके से एक और देखिए, गैडोलिनियम का 64 होता है, जरा सोचिए 64 से पहले क्या लिखिएगा, जेनॉन, तो जेनॉन 54 दू 56, 56 8 कितना हो गया 64 नहीं। अब क्या हो जाएगा, जेनॉन तो रहेगा और 6s2 भी रहेगा और 4f7 हो जाएगा, यहां से एक ट्रांसफर हो जाएगा, 6 है तो किसमें ट्रांसफर हो जाएगा 5d में, तो 5d में कितना हो गया 1 नहीं। इसी तरीके से एक और, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगर यहाँ थोड़ा स्पेस है, अगर मान लीजिए एक 90 का बात करते हैं, 90 थोरियम होता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेडॉन 86 हो गया। अब रेडॉन 86 हो गया तो यहाँ 7s2 होता है तो 86 दू 88 हो गया, 86 प्लस 2 88 हो गया। अब इसके बाद 5f हो गया, 88 और प्लस 2 कितना हो गया 90 हो गया, तो ये गलत होता है। यहाँ होता क्या है, एक्चुअली में यहाँ होता क्या है कि जो आप रेडॉन लिखते हैं वो तो रहेगा
सेवन इज टू भी रहेगा, लेकिन यहाँ फाइव एफ से दोनों ट्रांसफर कर जाता है। जब एक ट्रांसफर करवाइएगा सेवन है ना, तो सेवन रहता सेवन सिक्स फाइव, तो फाइव से सिक्स डी में जाएगा, फाइव एफ तो है और सिक्स डी में जाएगा, तो सिक्स डी कितना होगा वन। अब यह हाईली अनस्टेबल हो जाता है, फाइव एफ में वन हो गया, सिक्स डी में वन हो गया, इससे ज्यादा स्टेबल ये था, ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है डी में, ताकि कुछ स्टेबिलिटी इसका ज्यादा हो। तो ये सही है और ये क्या है, गलत है। तो आज पूरी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैटायंस एनायंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ठीक है दोस्त, आज यहीं तक। मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कंप्लीट वीडियो को देखें, कभी अधूरा वीडियो मत देखें, नहीं तो नहीं समझ में आएगा।